अरे पहलवान डॉक्टर बोले क्या? अरे क्या डॉक्टर साहब, मैं कब से फोन लगा रहा तुमको, इससे बिजी रह रहे थी तुम। अरे मैं क्या कह रहा क्या? अरे मेरी महेश का बच्चा है ना, दो दिन से मुंह में चारज नहीं पकड़ रहा। अरे बाबा बाकी के बात बाद में पूछना, पहले जल्दी आओ। अरे वाह डॉक्टर साहब, बैठो कुछ ठंडा गरम चाय पानी। नहीं नहीं कोई ठंडा गरम नहीं। अरे ले लो ना, हम काम करेंगे उसके बाद में कुछ सोचेंगे। बच्चा कितना बड़ा है? अरे बच्चा तो वही नहीं ना अभी तक। अरे गधे के बच्चे, जो काम से बुलाए ना वो काम बोल, हम काम करने आए यहाँ पे। अरे वो क्या है ना डॉक्टर साहब, वो मेरी माइस है ना, दो दिन से मुंह में चारा ही नहीं पकड़ रहे हो। अरे तो तू अक्कल पकड़ेगा ना जब वो चारा पकड़ेगा। अरे इडगेल, बच्चा कितने दिन का है रे? वो है ना पहलवान 3 महीने 14 दिन का है। ठीक है कहाँ पे? अरे वो क्या मेरी माइस के पास में। रोशनी इंजेक्शन निकाल, अरे रख तेरे मेकअप का सामान। चल हिडगेल, मेरे को तो तेरे ऊपर भरोसा नहीं आ रहा। क्या बोल रहा था, 3 महीने 14 दिन का बच्चा है? अबे मेरे को तो 2-2.5 दिन का ही बच्चा दिख रहा, उसके आंख पे बाल नहीं है अभी तक के, और फिर देख उसका गधा चिकना सड़ है। अभी तक के सिंग नहीं उगी उसकी। अबे अभी उसकी चारा खाने की उम्र नहीं है, दूध पीने की उम्र है। छोड़ो ना डॉक्टर, हमें क्या करना है, इंजेक्शन लगाओ, पैसे ले और चलो। ओके नो 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 नो। हो गया काम, चलो। अच्छा गुदर राल के टपका रहा, इधर बैठो ये छिछोरी। चल लो पैसे लो, हो गया तुम्हारा काम, हो गया। हाँ इंजेक्शन दिए भैंस के बच्चे को ही दिया ना, और किसको दूंगा? अरे वो भैंस का बच्चा थोड़ी ना है। भैंस का बच्चा नहीं है, किसका है फिर? अरे वो मेरा बच्चा है। अरे बीके क्यों बुला रहे? अरे क्या वो जो डॉक्टर साहब, मेरे ना 2 मछली है, 2। एक मेरे छोटे भाई का, कौन सा बताऊ तुमको? मैं तेरा मसला मुझे मालूम है, तू तेरा मत बता। तेरे भाई का क्या है वो बोल। देखो डॉक्टर साहब, जब वो छोटा था ना तो ऊंट पे बैठने की चीज कर रहे थे वो, अब उसको ऊंट पे बिठाने लगेगे ना तो उसके कंधे में उठने चाल लिया, तो ये भी ना उठ के इधर लंबा हो गया। और जा झाल लगाओ ना ऊपर आके पत्ते खा ले जाओ। ये देखो डॉक्टर साहब, ये झाल के पत्ते भी नहीं छोड़ रहा, इतनी बातें और पत्ते चाटते रहे तो उठ के ऐसा। समझ गया मेरे को इसको काय का इलाज है। करो डॉक्टर साहब इसका इलाज। ये मेकअप की दुकान, इंजेक्शन निकाल। ये मेरा एक अलग मसला है मेरे साथ। अगर ये डॉक्टर साहब, पूरे पत्ते खाऊंगा और तुम्हारे घर का जो झाड़ है ना वो भी खाऊंगा और तुम्हारी मुंडी खा डालूंगा। तू बंद कर। रोशनी एक काम कर बा, तू ये इंजेक्शन पकड़ और तू लगा, मैं तेको सिखा रहा इंजेक्शन लगाना। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने लगा रही, वो मुझे खा डालेगा। लो आप ही लगाओ। अरे तेको काय को खाएगा, वो हड्डिया थूक देते हो, कड़ा करके आवाज आएगी तेको थूक देगा वो। अभी आप ही लगाओ। ये पीके एक काम करवा, इसको घुमा तो उधर, घुमा झुका जा रहा था। अरे बलवान वो सुई का है। अरे वो तेरे भाई ने लेके चल गया लगता। काम बढ़ा दिया उसने बलवान। अरे उसको जान दे। ए, तेरा क्या है बता। अरे डॉक्टर साहब, मेरा मसला ऐसे है ना,
आसपास के पूरे डॉक्टरों को बताया मैंने, उन्होंने क्या बोले जानवरों के डॉक्टरों को बता, यही बोले आसपास के लोगों ने। बोला तुमको तो मालूम है ना? हाँ मालूम है मुझे। तो मेरा मतलब वही है, देखो डॉक्टर साहब मैं जब दारू पीता ना पकड़ता हाथ से लगाता होठ पे जीवन से मजा लेता और कट करके निकल लेता, दारू खाई जाती पेट में जाती, पेट में जाती दिमाग को चढ़ती, लेकिन इसमें मेरे पाँव की क्या गलती है? नहीं जरा भी गलती नहीं है, वो नहीं चलते बराबर, कभी इधर तो कभी उधर। मेरे पास तेरा इलाज है, लेकिन उससे पहले तू है ना तेरे भाई के 200 और तेरे 300 रुपए निकाल। मेरा बड़ा इलाज है 300? अरे फिर तेरा ज्यादा महंगा इलाज है। ठीक है बलवान, जाने तो जाने वरना सब बेमान है। हाँ अब सुन ले, मेरे इंजेक्शन से लोग तो चलने की तो बात छोड़ दे, भागने लगते भागने। ए सिपलक, मेकअप की दुकान इंजेक्शन निकाल, जब देखो पोतारा करते रहती मुंह या बड़ा कर ले रही। तेरे बम पे और तेरी बम्बई पे, चल पलट उधर। ए वरी उधर से तू घूम तू, अरे अब झुक उधर। वाह डॉक्टर साहब, अब जिसको भी इंजेक्शन लगाते ना तुरंत भागने लग जाता है, ऐसा क्या है आपके इंजेक्शन में? अरे तू टेंशन मत ले चवराक, मैंने तेरे वास्ते भी एक इंजेक्शन उठा के रखा। मेरे वास्ते क्यों? ऐसा है ना कि ये जितने लोगों को मैंने इंजेक्शन दिया कैसा भाग रहे, इनसे ज्यादा कभी तू स्पीड नहीं भागी, तो ये पहलवान का नाम बदल देना, पकड़िए सिपलक। मुझे क्यों भगाना है? चल फॉलो मी। अबे कर गया पहलवान है ना, पहलवान डॉक्टर बन गए वाह, मजा लेते उसके अपना। ए पहलवान इधर आ रहे, कह रहे कह रहे पहलवान डॉक्टर बन गया वा तू? नहीं वड़े और पाव की दुकान लगाया मैंने। तू इंसानों के भी डॉक्टर है? अरे जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी इलाज करता मैं। क्या बात कर रहे? हाँ यार तो फिर ये कौन है? अरे ये ना जानवर है ना इंसान है ये। तो फिर कौन है? अरे इसको तेरे नाना ने खेत में उगाए होंगे उनके। अरे पहलवान इसको ना इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है। अरे तो कितना भी बड़ा बीमार रहने दे, ये पहलवान भी बड़ा डॉक्टर है, सबका इलाज कर देता। क्या हुआ इसको बता, बोलता बोले ना बोल। डॉक्टर साहब मैं खाना खाते ना तो भूख नहीं लगती। ओ इतनी बड़ी बात है, पानी पीते ना तो प्यास नहीं लगती। लु, 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 प्यास बुझ जाती और क्या हो रहा बा? अरे जब मैं सोते ना डॉक्टर साहब तो मेरे आंखें बंद हो जाते। अरे रे 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 इतने खराब बात है तेरे। ए सिपलक एक काम करो पूरी निकाल। ये ले बंगड़िया, तू रात में 2 बजे जैसे उठेगा और जैसे सूरज निकला एक टाइम की तूने गोली खा लेना, फिर सुबह में जैसे सूरज डूबेगा 11 बजे पी लेना, कच्चा कच्चा अच्छा हो जाएगा बा तू। ए चला पैसे निकाल 200 रुपए। मैं तो नहीं बीमार है, ये बीमार है। वो तू आपसे आवाज दे के बुलाए ना, ओ पहलवान डॉक्टर है ना, इसके डॉक्टर उसके डॉक्टर, पैसे दे बाद में दे दूंगा मैं। बाद में लेना, उधार कर रखे मैं धंधा पानी। घर मालूम है ना तुमको? घर भी तो तुम्हारा कौन सा, खुद का है, भाड़े के घरों में रहते। चलो ए सिपला फॉलो मी। कह रहे बा घर अपन इसकी मजा ले रहे, देखे ये अपनी मजा ले रहा था रे। अरे इसने अपनी मजा लेके चले गया, इससे बोलते किसको काला मत करना। अरे बेबे खूब बुरा बुरा थक गया, लोग डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ रहे, डॉक्टर को भी उधार लगा दे रहे, क्या दौर आ गया बताओ। अरे मेरे बाप रे पहलवान डॉक्टर, अरे तुमने मेरे पोरे को कौन सा इंजेक्शन लगा दिए, देखो कैसा कर रहे हो। मुझे क्यों मार रहे हो? अब कल से तू काम पे भी नहीं आएंगे और तेरी पूरी पगार कट। डॉक्टर अरे उसको क्यों मार रहे तू? अरे इंजेक्शन तो तूने लगाया ना रे। हाँ इंजेक्शन मैंने ही लगाया, लेकिन इसने मेकअप के चक्कर में उसको भैंस के इंजेक्शन की जगह कुत्ते का इंजेक्शन लगा दी। हाँ अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो
पहलवान जानवरों का डॉक्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल खानदेश के सुपरस्टार को सब्सक्राइब कीजिए।